मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में नामांकन प्रक्रिया जारी है। देवास जिले की हार पिपलिया विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। मनोज चौधरी फॉर्म भरने के लिए देवास भाजपा कार्यालय से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पैदल पहुंचे हैं, जहाँ उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। इस दौरान देवास शाहजहापुर सांसद महेंद्र सोलंकी, देवास विधायक गायत्री राजे पवार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए मनोज चौधरी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। देखिए, जिस तरह से हर एक व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस तरह से हाट पिपलिया विधानसभा में हम प्रत्येक व्यक्ति के सुख हो दुख हो हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, और साथ ही पूरे विधानसभा में आज तक के इतिहास में जो काम इस विधानसभा में नहीं हुए थे पिछले 2.5 वर्षों में, विधानसभा में कई विकास कार्यों की सौगात मिली है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब कामों को लेकर के जब हम जनता के बीच में पहुंचेंगे तो जनता का आशीर्वाद हमें भरपूर, अभी भी हम जब अभी जा रहे हैं तो भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, अपनापन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ कई गुना मतों से जीतेंगे अधिक से। मध्य प्रदेश में वैसे काम के आधार पर तो 230 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जीतेगी सब सीटें हमारी, किसी कारणवश कहीं थोड़ी बहुत कम रहती, लेकिन हमारी 200 के आसपास सीटें जीतने की उम्मीद है। देखिए, हम हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र ही नहीं है बल्कि एक परिवार के रूप में हम इसमें लगातार संपर्क में रहते हैं, और सभी परिवारजन आज हमारे साथ में आए थे और उमंग उत्साह के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल करवाया।